नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं पंकज सैनी। तो दोस्तों, पितरों की शांति के लिए घर पे आज हवन कराया गया है। हवन में भाई राहुल शास्त्री और उनकी पूरी टीम आई हुई है। उनकी टीम में उज्जैन से आए हुए हैं कुछ लोग वृंदावन से आए हुए हैं, और कुछ कल उज्जैन से आए हुए पंडित जी ने, मंगल जी ने 101 गुलाब जामुन खाने की इच्छा जताई थी, तो उनके लिए 101 गुलाब जामुन लेके आए थे। उन्होंने चैलेंज रखा था कि मैं 101 गुलाब जामुन खा पाऊंगा। आपको वो वीडियो दिखाएंगे, वो कल की है। और आज घर पे है हवन, हवन भी चरखी दादरी में हमारे भैया नरसिंह सैनी जी के घर पे माँ गायत्री का अनुष्ठान चल रहा है। और मैं राहुल शास्त्री, मेरी टीम से वृंदावन से पधारे हैं जो विप्रगण, उनमें से एक विप्र हमारे उज्जैन से आए हैं। आज सुबह पूजा करते करते एक झलक पितरों का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे आज गुलाब जामुन खाने की इच्छा जताई। तो हमारे मंगल जी, जिनका नाम है मंगल पंडित जी, उन्होंने 120 गुलाब जामुन कह करके मंगवाए कि मुझे 120 गुलाब जामुन खाने हैं। और पितरों की इच्छा को सोचते हुए हमने वो प्रसाद मंगाया और आप देख रहे हैं वो लगातार इस प्रसाद को खा रहे हैं, बिना रुके हुए, बिना डटे हुए। सभी को जय श्री श्याम। आज एक करिश्मे की बात आपको बताएं कि यहाँ नरसिंह भैया के घर पे माँ गायत्री का भव्य अनुष्ठान चल रहा है लगातार 4 दिनों से। कल जो है अंतिम चरण में है अनुष्ठान, हवन यज्ञ है, उसके बाद भोजन प्रसाद। आज सुबह जब हम लोग पूजा कर रहे थे तो उस समय जो मेरे पास वृंदावन से टीम रहती है पूजा करने के लिए, अंशुल भैया और महा अंशुल भैया जी हैं, प्रदीप भैया हैं और सचिन भैया हैं, शिवम अवस्थी जी हैं, उनमें ही हमारे मध्य अब की बार महाकाल से उज्जैन से भैया मंगल दुबे जी पहुंचे हैं। मैं आपको दिखा दूं, देखिए भैया मंगल दुबे जी, आज सुबह जब हम लोग पूजा करके उठे तो उनके मन में एक विचार आया, पितृ पूजा ये जो चल रही थी उस पितृ पूजा के चलते चलते उनके मन में एक विचार आया कि आज मुझे 120 गुलाब जामुन खाने हैं। उनके मन से एक भावना पैदा हुई, हम लोगों ने सोचा कि शायद पितरों ने कुछ आशीर्वाद ऐसा हमें दिया कि उनके अंतरात्मा से यह आवाज आई, और हम लोगों ने बाबा का भोग प्रसाद समझकर मंगाया। तो देखिए आप लोग लगातार 120 गुलाब जामुन जो है वो खा रहे हैं, लगभग 50 से 60 वो खा चुके हैं, बाकी आपके सामने दिख रहे हैं। और लगातार तो भाई साहब चेयरमैन साहब आ रहे हैं हमारे हवन पे, बख्शी राम सैनी, उनकी गाड़ी थी। सावित्री नव यौवना सुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रोपी परदैवतं भगवतीं श्रीराज राजेश्वरी
आदिशक्ति नमः कामख्ये नमः योन्ये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तो भाई हमारे घर पे चल रहा है, ये बैठा भाई साहिल, साहिल इधर दिखाइए, इधर ये साहिल बैठा भाई, ये भाई नमस्कार। तो गाइस लोगों के घर पे आओगे नो क्या है, चेयरमैन साहब भी आए हुए घर पे, बख्शीराम सैनी बस, राहुल शास्त्री उनकी पूरी समस्त टीम के साथ। तो गाइस यहाँ पर तैयारी हो रही है जिम बनाने के लिए, ये सब्जी है वहाँ पर, ये आटा है, ये रायता बन रहा है यहाँ पर, और ये हमारे दादाजी, ये हमारी टीम, ये हमारे चाचा लीलू चाचा, ये नरेश चाचा, तो ये सोनू अंकल है आटा गूंद रहे हैं। इन दोनों अंकल का मेरे को पता नहीं, ये देख रहा हूँ, ये जीरा है, ये बूंदी रायता, ये सब्जी है, सब्जी आलू की सब्जी, ये देखिए लबाबदार, देखिए ये सोनू अंकल है हमारे, सोनू अंकल है हमारे, आटा गूंद रहे हैं यहाँ पर, रायता गूंद रहा है, रायते की तैयारी हो रही है यहाँ पर, ये हमारा हवन कुंड जहाँ पर हवन हुआ है अभी अभी, ये हमारा सबसे काम करने वाला बाबा, ये बाबा ये देखिए, ये हमारा बाबा बहुत गुस्से में रहते हैं, और ये लकी का बाबा जो मोमो चैलेंज जीता था, ये देखिए सबसे ज्यादा काम करते हैं, कभी नहीं मानते, Thank you.
ये हमारे यहाँ पर पूजा के थाली की छुट्टियाँ हैं। ये वाले मेरे बाबा हैं, मेरे चाचा के पापा, ये वाले मेरी माँ है सगी, और ये मेरे बूढ़े बाबा हैं पर दादा। ये देखिए वो हमारे सत्यनाथ बाबा जी, और ये मेरे माँ के गुरु जी। देखिए ये हमारी टीम है गाइस, देखो आपका व्लॉगर ये रहा। अरे नजरें मिलाओ, नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम कह दिया। ये देखिए ये गोलगप्पे चैलेंज जीते वाला, देखिए पछता रहा है, अब सोच रहा है मैं बर्गर चैलेंज क्यों नहीं जीता। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द देखिए और व्यूज बढ़ाइएगा, लाइक कर दिया। अरे बोलिए बोलिए क्या बोले, हम बोलिए घंटे बड़ा घंटे। ओ हाँ हाँ यस यस बोल जरूर। ये हमारा सुपर डॉन ले जा रहा है, ये हमारे बाबे आज अभी आए हैं नहर के पास। तो गाइस अभी जा रहे नहर के, तो सामान है और नहर के पानी के लिए आए थे, और भी चीज है जो के लिए हम आए नहर के। इशारे कर कैमरा, इशारे कर। तो गाइस अभी ये नदी में बहते हैं, नदी आई हुई है, नदी को दिखाओ भाई, नहर